भगवान बुद्ध की जो वंदना या स्तुति है या उनकी याद में जो बाद में एक वंदना बनाई गई है, उस वंदना को हम कई पार्ट में बताएंगे क्योंकि थोड़ी बड़ी है और आसान भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बाद में बनी है। भगवान बुद्ध के समय में ये वंदनाएँ नहीं होती थी, इसको बुद्ध वंदना के नाम से जानते हैं, बुद्ध वंदना। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, इसको हम लय में ऐसा बोलते हैं। इसमें जो पहले शब्द हैं वो हैं इति पी, इति पी का मतलब है इति और पी या अपि, इति और अपि यानी इति पी, इसको ती पी भी बोल सकते हैं। इति और ती का मतलब होता है ऐसा और अपि या पी का मतलब होता है भी, यानी ऐसे भी। सो माने होता है वह, भगवा माने होता है, भगवा जो शब्द है वो बना हुआ है, जैसे कहते हैं ना कतवा करने वाला, भगवा मतलब भग्न करने वाला, वाह जिसके पीछे लगा देते हैं वो उसके वाला हो जाता है, यानी कोई काम करता है और वाह हम लगा दें, जैसे मितवा बोलते हैं, मितवा यानी मीठा बोलने वाला या मितवा, तो मितवा भगवा कतवा, यानी वाह जिसके पीछे लगता है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, इसको हम वान भी बोल सकते हैं, यानी भग्नवान मित्रवान वान भी बोल सकते हैं, वान का शॉर्ट है वाह। तो भगवा का मतलब है भग्न करने वाला, जिसने अपने जीते जी अपने राग दोष और मोह मूर्ता को ख़त्म करके, अपने सारे दुख खत्म करके और सुख को प्राप्त कर लिया, उन चार पोजिशनों को प्राप्त कर लिया जो सदा उसके साथ रहती हैं। एक मुदिता है, एक अनंत मुदिता, अनंत करुणा, अनंत मैत्री और अनंत समता, यानी ये चार उसने जो सुखपूर्वक चीज़ें हैं इनमें विहार करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान यानी भग्नवान, भगवान शब्द नहीं है ये ध्यान रखना, भग्नवान है यानी भग्न करने वाला है। भग्न का भववा भी बोलते हैं और भगवा भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं। तो इति पी सो भगवा, यानी ऐसे भी वह भगवान या भगवा, भगवा ही कहें ज़्यादा अच्छा है, भगवा कलर का नाम भी उन्हीं से आया है, यानी जो कपड़े का रंग भगवा होता है वो उनके चीवर के कलर को बोलते हैं। अरहंग, अरहंग का मतलब है कि जो सम्मान के योग्य हैं, जिनका सम्मान किया जा सकता है, जिनकी वंदना की जा सकती है, जो इतने योग्य हैं, यानी योग्य, अरहंग का मतलब है योग्य हैं इतने। सम्मा संबुद्धो, सम्मा माने समान, सम्यक बिल्कुल ठीक, और सम माने बराबर, बिल्कुल ठीक हैं। सम्मा सम्यक बुद्धो यानी जो बराबर भी हैं, पूर्ण भी हैं और बिल्कुल राइट हैं, सही हैं, ऐसे बुद्ध। विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो, फिर आगे की लाइन जो बोलते हैं इसमें हम बोलते हैं विद्याचरण संपन्नो लोक सुगतो लोकविदु। विद्याचरण संपन्नो तीन शब्द हैं, विद्या का मतलब होता है विद्या यानी कि ज्ञान, और विद्या में जो साथ में जुड़ा हुआ है वो है आचरण, यानी विद्या और आचरण को दोनों को मिला के विद्याचरण बोलते हैं, विद्या प्लस आचरण, यानी कि वो ज्ञानी हैं और अच्छे आचरण से हैं, और संपन्न माने कंप्लीट हैं, संपन्न हैं, यानी जो ज्ञान से विद्या से और आचरण से संपन्न है, तो उसको बोलते हैं विद्याचरण संपन्नो। सुगतो, सुगतो माने ये दो शब्द से मिलकर बनाया, सु और गति, यानी कि जिनकी सम्यक और अच्छी गति है, यानी कि जो जिनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा है और जिन्हों का आगे भी अच्छा रहेगा, सुगत हैं वो, सुगत बोलते हैं। लोक विदु, ये दो शब्द से मिलकर बना है, लोक और विदु। लोक जो बोलते हैं वो बोलते हैं शरीर के अंदर की जो अवस्था है उसको भी लोक बोलते हैं पाली भाषा में, और शरीर के बाहर जो भी कुछ है उसको भी लोक बोलते हैं, और विदु माने जानकार, यानी कि वो शरीर के अंदर के सारी क्रियाओं के, सब कुछ के, और शरीर के बाहर जो दुनिया है उसके जानकार हैं। अनुत्तरो, अनुत्तरो का मतलब है जिसका उत्तर ना हो, यानी अनुत्तरीय है यानी अनकम्पेरेबल है, या इसको कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, ऐसे अद्वितीय हैं वो, यानी कि कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का मतलब है दूसरा कोई ऐसा नहीं है। अनुत्तरो यानी उनका कोई उत्तर नहीं, उनका कोई जवाब नहीं है, वो अपने आप में अकेले हैं। पुरुष दम सारथी, ये धम्म नहीं है ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जब इसको फ्लो में पढ़ते हैं तब बोलते हैं पुरुष धम्म सारथी, ये धम्म नहीं है, ये दम है, दम दे आधा मैं। पुरुष जो बोलते हैं वो किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, इसको पुद्गल भी बोलते हैं। पुरुष का मतलब होता है एक मनुष्य, यानी एक आदमी या एक देवता या एक व्यक्ति, वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। पुरुष दम सारथी, दम माने होता है दमन करना, यानी दमन किस चीज़ का करना है, राग देश और मोह का दमन, और सारथी माने जो रथ को चलाने वाला होता है, यानी कि वो ऐसे
सहायक हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं जो पुरुष के राग द्वेष मोह को साध के दमन करके उसको ठीक कर देते हैं, कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। सत्था, सत्था का माने हैं शिक्षित, यानी कि वो सास्ता हैं, से उपदेश दे सकें, सदुपदेश सकें, यानी उपदेश जो देते हैं वो पॉजिटिव उपदेश देने वाले हैं। सत्था जो बोलते हैं, जो वो बात बता रहे हैं, अगर कोई बात पॉजिटिव बताता है, अच्छी बात बताता है, कल्याणकारी बताता है, गुडनेस की बात बताता है, वेलफेयर की बताता है, तो उसको बोलते हैं सत्था, यानी कि ऐसे सास्ता या ऐसे टीचर जो अच्छी बात बताते हैं। देव मनुष्यानंग, देव मनुष्यानंग यानी देव और मनुष्य को, सानंग का मतलब है को, देव मनुष्य यानी देवताओं को और मनुष्य को। इसमें जो मनुष्य, तो सारे जितने भी पृथ्वी पर आदमी हैं वो सारे मनुष्य होते हैं शुरू में, मगर जो पंचशील का पालन करते हैं और जो आचरण करते हैं साधना का, वो लोग देवता कहलाए जाते हैं। तो यानी कि जो लोग सीख चुके हैं, अच्छे लोग हैं उनके भी, और जो मनुष्य हैं उनके भी वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे शास्त्र हैं। बुद्धो भगवाति, कौन है बुद्धो, यानी बुद्ध भगवान ऐसे, बुद्ध भगवाति ऐसे। तो ये बहुत सिंपल से शब्द के अंदर बुद्ध बंधना है। इसको जब फिलो में हम पढ़ते हैं तो एक एक शब्द का मतलब समझ के इसे पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो हम प्रेयर बोलते हैं, इस प्रेयर से हमें सिर्फ इतना फ़ायदा होता है, जो हम वंदना करते हैं इतना फ़ायदा होता है कि हम उस व्यक्ति के गुणों को एक बार समझ लें कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे हम नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मासम बुद्ध बोलते हैं, तो उसका बोलने का औचित्य इतना होता है। उसके कारण ये है, उसको बोलने से कहीं कोई चीज़ नहीं बदलने वाली है, सिवाय इसके कि आप उनके गुणों को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई ऐसा बनना चाहिए, या बच्चे को लगेगा कि ऐसा बनना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में पेश होता है, इसलिए ये वंदनाएं या ये चीज हम बोलते हैं काम करने से पहले, ताकि मन शुद्ध हो जाए और अच्छा हो जाए। और इसको लय में और फ्लो में पढ़ने से थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको याद करना। लय में और फ्लो में पढ़ने से या गा के पढ़ने से, सिवाय इसके कि ये आसान हो गया हमें याद हो जाती हैं, और कोई फ़ायदा इसका नहीं होता है। आप गद्य में पढ़ें या पद में पढ़ें, एक एक शब्द रोक के पढ़ें या लय में पढ़ें, आपको याद हो या ना हो, आप किताब से पढ़ें या मोबाइल से पढ़ें या कंप्यूटर में रख के पढ़ें या हाथ में लिख के पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके शब्दों को समझेंगे, इनके शब्दों के अर्थों को समझेंगे और ऐसा होने का सोचेंगे, तब फायदा होना शुरू होगा। इसलिए इसको लय में पढ़ने में याद हो जाता है, बाकी फायदा इसके शब्दों को सोचने से भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। इति पिसो भगवा, यानी कि ऐसे भगवान, अरहंग सम्मासम बुद्धो, अरहंग यानी कि बहुत वंदनीय, बहुत जिनका हम आदर कर सकें, सम्मान योग्य, जिनमें योग्यता इतनी है। सम्मासम बुद्धो, विद्याचरण संपन्नो, विद्या से ज्ञान से और आचरण संपन्न, सुगतो लोक विदु, यानी सुगत जिनकी गति है और लोक विदु जिनको, जो लोक के बारे में सब जानते हैं, अनुत्तरो जिनका कोई जवाब नहीं, पुरुष दम्भ सारथी यानी कि पुरुष जो पुद्गल है, मनुष्य है, उसकी बुराइयों को साधने वाले सारथी, सत्था देव मनुष्य से जो पॉजिटिव उपदेश करते हैं, अच्छे उपदेश करते हैं देवताओं को और मनुष्य को, बुद्धो भगवाती, भगवान बुद्ध ऐसे। धन्यवाद।